अगर घर में यूज़ होने वाले कपड़ों का हिसाब लगाया जाए तो गिनती करना मुश्किल है। पहनने से लेकर क्लीनिंग में यूज़ होने वाले कपड़ों को धोना, प्रेस करना और प्रॉपरली इनको फिर ऑर्गेनाइज करना इज़ क्वाइट अ टफ जॉब, बट थोड़ी सी एफर्ट के साथ ये काम ईजी बनाए जा सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो को फुल वॉच करना होगा तो ही आज की रमज़ान की यमी रेसिपी भी देखने को मिलेगी। एंड में मेरे फेवरेट व्यूअर्स अपने नाम भी सुन लें। अगर वीडियो यूज़फुल हो तो लाइक ज़रूर कर दें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वुमेनिया ATF विद अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर गुड, आई एम टू गुड अल्हम्दुलिल्लाह। सो जी, कपड़े धोकर प्रेस करने के लिए अगर आयरन का प्रॉपरली क्लीनिंग ना हो तो क्या फ़ायदा ऐसे कपड़े प्रेस करके पहनने का या फिर यूज़ करने का। बहुत सारे मेथड्स शेयर कर चुकी हूँ, सो लेट्स सी दिस इज़ द न्यू वन। इसके लिए आप देखें, ये इसका स्विच भी काफ़ी गंदा हो चुका है और इसके ऊपर आपने ये पिंक सा निशान भी देखा है। उसके लिए मैंने पेस्ट ले लिए जो कि अब ऑलमोस्ट ख़त्म होने के लिए, लेकिन एक्चुअली ये ख़त्म नहीं हुई हुई। इसको अच्छे से आप प्रेस करें, प्रेस करके पीछे से आप एक कॉटन का क्लॉथ ले लें, फ्लीस का ले लें तो ज़्यादा अच्छा है, बहुत अच्छी क्लीनिंग होगी। उसके ऊपर बस इसको अप्लाई कर दें थोड़ा सा और फिर आप शुरू हो जाएं जी इसको रब करना। विद इन नो टाइम आप देखेंगे कि इसकी ना, ये देखें ये पिंक जो निशान था ना, पता नहीं ये किसी पेंट का था या क्या था या इंक का था, बहरहाल ये काफ़ी सख्त था जो कि उतर नहीं रहा था। तो इसको बस थोड़ा सा मैंने रब किया और अब ये देखें सारा गंद इसके ऊपर से उतर गया और इसका मार्जिन जो है ना बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है। इसी तरह बाकी की भी, इसी मेथड के साथ बाकी की आयन को भी मैंने क्लीन कर लिया। और इसका ये जो पार्ट है ना, क्योंकि ये स्टीम आयन है तो ये ज़्यादा गंदा नहीं होता क्योंकि पानी लगता रहता है, तो इसको सिंपली साफ़ करके अब ये स्विच की तरफ मैं आ गई हूँ। सेम उसी तरह ही ना मैंने थोड़ी सी पेस्ट अप्लाई किया है। पेस्ट के अंदर क्लीनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं तो ये बहुत मैजिक की तरह काम करती है। हमारी इस तरह की अप्लायंसेस के जितने स्विचेस, स्विच बोर्ड्स या फिर हमारे जितने भी फ़ोन चार्जर्स होते हैं ना, तो उनके लिए अगर ये पेस्ट वाला हैक यूज़ किया जाए ना तो दैट इज़ सो वर्किंग। अभी आप ये देख सकते हैं कि कितना ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है, हमारी आयन बिल्कुल नीट हो गई है। अब बारी आती है इसकी, जो वायर है ना इसका इतना ज़्यादा क्लटर होता है ना कि इसको संभालना मुश्किल होता है। इसी पेस्ट को हम ले लेंगे, थोड़ा सा इसकी बेस से इसको प्रेस करेंगे कोई हाफ एन इंच और उसको सेंटर से ना वी शेप में हल्का सा कैंची से कट लगा देंगे। बस जी, ये देखें हल्का सा सुराख हो गया। ये सुराख जो है आगे चढ़कर इसको वायर को बिल्कुल ऑर्गेनाइज करने में यूज़ होगा। तो हम इसको ना पहले तो वायर को प्रॉपरली ना हम अरेंज कर लेते हैं। बस एक सेकेंड में ये अरेंज हो जाएगी और सेंटर से पकड़ के ना फिर इसको इस तरह से इसका स्विच अरेंज करके, तो बस ये पेस्ट को मैंने पकड़ा और इसके इर्द गिर्द रैप कर दिया और अब इसका ऊपर से इसका ढक्कन उतार के और इसका जो सुराख किया था ना उसके अंदर से मैं इसको गुजार दूंगी। अब इसके ऊपर इसका ढक्कन जो है वो फिक्स कर दूंगी। तो अब ये देखें बिल्कुल टाइटली एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बन गया है और इसने वायर को बिल्कुल अच्छे तरीके से समेट लिया है, तो प्रॉपरली एक ऑर्गेनाइज़र बन गया हमारा। अब वेस्ट अगर हम कर देते इसी पेस्ट को तो हमारा ये काम तो ना हो पाता ना। तो ये देखें बिल्कुल हमारी आयन नीट एंड क्लीन भी हो गई और ऑर्गेनाइज भी हो गई। इसी तरह घर में ये हमारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजर्स आते हैं ना जो हम ऑनलाइन बाय करते हैं, प्रिंटेड होते हैं, ज्योमेट्रिकल प्रिंट्स होते हैं, डिफरेंट स्टफ़ के होते हैं, महंगे आते हैं, उसके लिए हम ना ये देखें घर में ही बनाते हैं। इतना ईजीली ये पेपर बैग्स आते हैं ना, इतना ये बहुत ज़्यादा उनकी तरह स्टडी तो नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जो कि लाइट वेट होते हैं ना, जैसे हमारे किचन के क्लीनिंग के कपड़े होते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा रह जाता है। बस इसके ऊपर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। हमने ले लेने ये झाड़ू के तिनके, जो पीछे की साइड का मोटा वाला पार्ट होता है ना, बस वो चार ले लेने और इसकी ये इस जो डोरी है उसको रिमूव कर देना और चारों कॉर्नर्स पर ना तकरीबन डेढ़ डेढ़ इंच के कट्स लगा लेने बस। और उसके बाद ना आपने एक एक तिनका पकड़ते जाना है और इस कट के ना बिल्कुल बेस पर रख कर उसको फोल्ड दे देना है। फोल्ड देने के बाद अब आप इसके ऊपर स्कॉच टेप अप्लाई करते जाएं दोनों साइडों पर। इतना सा काम है और ये देखें कि जिस तरह ये फोल्ड हुआ पड़ा था ना, बिल्कुल ही वेस्ट हुआ पड़ा था कि हमने इसको रद्दी में देना था ना, हमने इसको यूज़ कर पाना था, लेकिन इस तरह से करने के बाद आप देखेंगे उन्हीं ऑर्गेनाइज़र्स की तरह ये बिल्कुल एक अच्छा खासा हमारा ऑर्गेनाइज़र बन गया। बहुत सारी घर की छोटी छोटी ऐसी लाइट वेट चीज़ें होती हैं, जैसे बच्चों के कुछ ऐसे टॉयज़ भी होते हैं, स्टफ़ टॉयज़ होते हैं जो कि इतने वेट वाले नहीं होते, तो उनको भी हम इनके अंदर रख पाएंगे और हमारे बच्चों के ये फिर क्लटर नहीं लगेगा। हर तरफ तो टॉयज़ बिखरे पड़े होते हैं। तो इसी तरह से बस आप देखते जाएं कि ये चारों को ना मैंने चारों कॉर्नर्स में लगा दिया तिनकों को और स्कॉच टेप से उसको बिल्कुल फिक्स कर दिया। अब ये देखें एक स्टर्डी सी एक पूरी शेप में आ गया ये बॉक्स। अब इसकी बेस को भी थोड़ा सा हम ना
सपोर्ट दे देते हैं। तो उसके लिए एक और पेपर बैग लिया उसकी बेस के साइज़ का, उसको मैंने बस फोल्ड ही किया, कोई कटिंग नहीं की और बस इसके ऊपर फिक्स कर दिया। तो ये देखें, अब आप देखें, मैं आपको दिखाती हूँ कि जो ऑर्गेनाइज़र्स मैंने आपको दिखाए जो मैंने ऑनलाइन बाय किए थे उनके साथ रख कर दिखाती हूँ, आप कह सकते हैं इसमें कोई फ़र्क है। तो अब इसके आगे हैंडल भी लगा हुआ है ना, जो कि मैंने बाज़ार से बाई किया हुआ है, तो इस हैंडल को ना हम इसका भी एक जुगाड़ लगाते हैं। तो इसकी जो डोरी मैंने उतार दी थी ना, वो डोरी बस मैंने ले लेनी और उन्हीं सुराखों के ऊपर उसको रिपीट कर देना है। तो इस तरह से उसको सुराख ज़रा सा हल्का सा मैंने प्रेस किया और इसकी नॉट लगा दी, और दोनों तरफ इस तरह से ही ना मैंने इसी प्रोसेस को रिपीट कर लेना है और हमारे हैंडल्स भी अच्छे खासे बनकर तैयार हो जाएंगे। अब ये इतना लाइट वेट है और इतना ये अच्छा बन गया है ना कि इससे हमारी, मैंने जैसे आपको बताया कि हमारे बच्चों के टॉयज़ होते हैं, अब मेरे जो किचन के छोटे छोटे कपड़े होते हैं ना क्लीनिंग में जो यूज़ होते हैं, माइक्रोफाइबर क्लॉथ हो गए, क्योंकि मेरे घर में छोटे बच्चों वाला सीन तो नहीं है कि मुझे टॉयज़ रखने पड़े, तो बस इस तरह से ना इनको मैं तय लगा कर तो ये एक जगह पर रख देती हूँ। इतने ये सिमटे रहते हैं और कैबिनेट में इनकी एक प्रॉपर जगह बन जाती है, मुझे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं पेश आती और हर कपड़ा क्लीनिंग करना मेरी नज़रों के सामने होता है, ईजी टू एक्सेस होता है, बस वॉश करके इनको ड्राई करके और इसके अंदर मैं रख देती हूँ और मेरी अच्छी खासी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है। तो आज की रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। आज मैं बनाने वाली हूँ टॉर्टेला रैप, जिसके लिए थोड़ा सा ऑयल लेकर मैंने चिकन को क्यूब्स में काट लिया था और उससे पहले लहसुन अदरक की पेस्ट थोड़ी सी ना मैंने उसको इस तरह से उसके अंदर ब्राउन कर लिया, और ये जो चिकन मैरिनेट किया था लास्ट रेसिपी में आपको जिंगर के लिए बता चुकी हूँ, वही मैरिनेशन मैंने यूज़ की थी। ये बाज़ार से टॉर्टेला रैप्स मिलते हैं तो हाफ कुक हुए होते हैं, बस इनको हमने हल्का सा ना सेक लगाना होता है, बहुत ज़्यादा इनको गर्म नहीं करना होता, फिर ये क्रंची हो जाते हैं। मेयो ले ली थोड़ी सी, थोड़ी मस्टर्ड सॉस ले ली, थोड़ी रेंच सॉस ले ली, चिली गार्लिक ले ली और टोमेटो सॉस ले ली, और उसके साथ बारबेक्यू सॉस डाल दी, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा लेमन जूस ऐड कर दिया, वाइट पेपर एंड ब्लैक पेपर, एंड दैट्स इट। बस इसको एक अच्छा सा आपने मिक्स दे देना और ये टॉर्टेला रैप की इतनी अच्छी ये हमारी ड्रेसिंग बनकर रेडी होती है ना, बहुत यम्मी और टेस्टी बनते हैं। इसको अच्छा सा मैंने उसके ऊपर अप्लाई कर देना है, और मैरिनेट किया हुआ चिकन जो मैंने हल्का सा उसके ऊपर पैन के ऊपर टॉस कर लिया था ना, उसको अप्लाई करके तो जितनी हमारी ये वेजेस होंगी ना, जैसे हमारा आइसबर्ग हो गया, ये अनियंस हो गए, गाजर हो गई, कोई भी आपने जो भी आपको पसंद हो ना, तो वो इसके अंदर इस तरह की कटिंग करके तो फिर बटर पेपर में उसको रैप कर लूँगी, रैप करके उसको हाफ रैप करूँगी ताकि ऊपर से बाइट लेना ईजी हो जाए, और उसके ऊपर मैं इस तरह से ना फॉर्क जो है वो फिक्स कर दूँगी। तो ये इतने यमी बनते हैं ना कि कोई हद नहीं है। सो या दैट्स इट। साइका शुएब मानसेरा, जरताशिया लैया सुमेरा एंड मिस शुएब लाहौर, नजमा इंडिया कर्नाटका, एक बहुत प्यारी व्यूअर हैं केरला इंडिया से, इरम आबिद इटली से, नजफ सोबिया गुजरात, मुकद्दस लाहौर, फरजाना पत्तू की। ये थे कल की वीडियो के कमेंट विनर। क्या आप भी अपना नाम सुनना चाहते हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक शेयर कर दें, फिर अपना नेम और सिटी नेम के साथ मेंशन करें। न्यू व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।